हमीद दी आयत मुबारका बड़ी मशहूर और मरूफ पढ़न दा शरफ हासिल कीता। दुआ है कि मेरा पढ़ना और आप हबाब दा समाअत करना अल्लाह ताला अपनी बारगाह अजीम दे अंदर कबूल ते मंजूर फरमा ले। ग्रामी कदर हजरत, मैं उस आयत पाक दा पहला लफज पढ़न लगा, जिन्हों लफज समझ आ जाए वो उच्चा बोले सुभान अल्लाह। ग्रामी कदर हजरत, जेड़े बच्चे सुभान अल्लाह भी बोलते हैं इतने मेरे करीब आओ। अल्लाह करीम ने कुरान च इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले हो, ईमान वाले हो, कुरान का लफ्ज़ है, कोई गल नहीं, ए ईमान वाले बोलियो जी, ए ईमान वाले हो, जिन्हों ईमान वाले का लफ्ज़ समझ आया जरा ऊंचा बोले ना सुभान अल्लाह, ऊंचा होर बोलो सुभान अल्लाह। ग्रामी कदर हजरत, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया ए ईमान वाले हो, इस्तईनो बिस्सब, ए ईमान वाले मदद तलब करो, इस्तईनो बिस्सबरी वस्सला की, बिस्सबरी वस्सला सबर करो और नमाज करो, सबर करो और नमाज कोलो, मदद तलब करो। ग्रामी कदर हजरत, अगे अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सबर करने वालों दे नाल है, बेशक अल्लाह सबर करने वालों दे बोलो नाल है। ग्रामी कदर हजरत, अल्लाह का कुरान ऐलान करता पे है, मैं अल्लाह का कुरान तुम्हारे सामने पढ़ना पड़ा। एक मैं खसूसी बात और जरूरी बात आप अहबाब दे ज़हन नशीन करना चाहना, आप अहबाब नो वो बात पहुंचाना चाहना। कल जुमा रात सी, कल जामिया नईमिया रिज़विया अल हबीर दे अंदर मेरा बयान रखा गया। गुलफाम निजामी ने मैनु दावत खिताब दी, उन्हें कहा कि तीन मिनट तो ज्यादा खिताब नहीं करना, तीन मिनट तो ज्यादा खिताब नहीं करना। हुण तुसीं आपे समझो भाई जवे चुराई साहब माशाअल्लाह बहुत सियाने बंदे ने, इन्हां दे नाल रूफका जिहड़े आए ने अल्लाह ताला सारे दी इस तरह सलामत रखे, अल्लाह ताला सारे नूं बरकत देवे। अलामा अब्दुर्रहमान करदे जी साहब माशाअल्लाह तशरीफ फरमा जी 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 जी। तुसीं आपे सोचो के तीन मिनट का खिताब हो सकता, तीन मिनट का खिताब हो सकता नहीं ना, इन्होंने मैनू आख्या जी तीन मिनट का खिताब करना। मैं एक बात अर्ज की थी, उतों देख मोल भी साबर साहब उठे थे, तुहानू पता है जलन वाले भी विच्चे ही नहीं, मौलवी साबर साहब उठे थे, उन्होंने आख्या जी ऐसे तालिब इल्म को आप स्टेज पर ले आते हैं जिनको कुरान का नहीं पता, जिनको हदीस का नहीं पता। मैंने उनको ये कहा कारी साहब आप कहते हैं ऐसे तालिब इल्म को क्लास पर स्टेज पर ले आते हैं जिनको पता नहीं था, कहते हैं कि इसके बाद अगली जुमेरात जब आएगी हसीब तकरीर करेगा, सऊद तकरीर करेगा। मैंने कहा कारी साहेब आप सोच ले सऊद तकरीर कर सकता है या हसीब तकरीर कर सकता है, बताओ कर सकता है तकरीर? आंदे जी वो तकरीर करेगा जी, बस एक इस बात ने बहुत रुलाया जनाब, उन्हें आख्या कि वो तकरीर करेगा, सऊद तकरीर करेगा,
इनको नहीं पता। फिर मैं उन्हें क्या मैं क्या जिसे किसी को पता नहीं तो फिर क्यों ले आंदे उस स्टेज पे जिदो इना नु अलामा सा नाम ना लबे तो फिर आंदे ना भाई नहीं मासी बुलाए फिर कहने ले हाफिज नईम मासी सामने ले आओ ते लामा अब दरबार करते जी साहब सीधे गली गली यही कह रहे आओ असि ते दवाई दे के कहने आ असि ते यही कहने आओ असि कहने जेड़े गुलाम है रसूल अल्लाह दे बोलो सुभान अल्लाह जेड़े गुलाम है रसूलुल्लाह दे असिया गुलाम ओना दे ते पीरे बाउने दा तर्जमा जो कीता हो आप फरमांदे ने आशिक होवे एको बताओ जरा आशिक होवे ते इश्क कमावे दिल रखी वाग पहाड़ा हो से बदिया ते हजार गुलाम कर जानी बाग बहारा हो मनसूर दे चुक सोली चा दे जड़ वाकिफ गुल असरा रा हो सर सजदे ओ चुकी है मेरा का मिल बाहो पावे का फिर कैन हजारा पावे काफिर हजारा कह दे ना पावे काफिर हजारा कह दे सर सजदे नहीं उठाना ग्रामी कदर दरा दे कहने इन्हें तालिब इलम पता नहीं आवे माइक फगड़ा दें दे स्टेज से लिया दें दे इन्हों पता कोई नहीं तकरीर कर जो जनाब कोई इन्होंने मौलवी नहीं लभदा उदो जनाब मेरा इंतजार करते ने आसी साहब आओ बयान करो उदो जनाब मेरा इंतजार करते ने उदो कहते ने जनाब आसी साहब आन के बयान होएगा आसी साहब की तकरीर बगैर असी बच नहीं सकते अज जनाब कल एक मुंडा नवा तैयार हो गया पता नहीं उन्होंने तकरीर करनी आँदी या नहीं आँदी ये तो मेरे इलम से गल ही नहीं पर उस मौलवी ने आख्या ना ना जेड़ा तरीका अपनाया जा रहा है मैनू पसंद कोई नहीं जनाब एक नात होती है एक तिलावत होती है एक बयान होता है भाई जवे चुराई साहब उन्हें आख्या मैनू तो पसंद ही कोई नहीं जनाब उन्हें कहा मैनू तो ये मसला पसंद ही कोई नहीं क्योंकि एक नात एक तिलावत आती है मैनू इस गल की पसंद कोई नहीं जनाब आला उन्हें आख्या असी जनाब होर कुछ कर लवेंगे असी जनाब किसी होर बंदे नू दावत दे लवेंगे मैं क्या बिल्कुल ठीक है जिन्ना मर्जी दावत दे लवा ग्रामी कदर दरात मैं क्या कल मैं कोट मंडिया वाले टुर जाने उते अलामा अब्दुर्रहमान कर देदी साहब भी आएंगे उषा काने मुस्तफा भी आएंगे उते सारे दुनिया वाले आएंगे सारिया ने इज्जत भी देनी है ए जड़ी ए मैनू जड़ी इज्जत मिली है किसे होर दे सदके नहीं मिली रब दे कुरान दे सदके मिली होई है भूल न जाना लोगो मिलके बोलो अजमते आल नबी भूल न जाना लोगो लोगो देख
देखना गैर की बातों में नया ना लगो, देखना गैर की बातों में नया ना लगो। ग्रामी कदर हजरात आओ मैं सहात दा थोड़ा जिना सिलसिला बयान कर देवा। ग्रामी कदर हजरात मेरे इमाम अली मुकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु आप जेडे वेले करबला दे मैदान दे अंदर आए ने, आपने एक एक करके सारियां नु टोर दिता है। ग्रामी कदर हजरात जेडे वेले सारियां नु टोरिया, ग्रामी कदर हजरात हजरत अली असगर रह गए ने। ग्रामी कदर हजरात जेडे वेले अली असगर दी वारी आई मेरे वाल तवज्जो रखिया जे जेड़े वेले वारी आई, हजरत बीबी रुबाब ने अर्ज की लचपाला ए मेरे पुत्र नु ले जा। मेरे इमाम ने फरमाया बीबी किवें ले जावा, मैं ते वंडन वालियां दा दोतरा वा, मैं ते मंगन वालियां दा दोतरा नहीं, तेरे बच्चे नु किवें ले जावा। आपने फरमाया हो सकदा है किसे औलाद वाले नु तरस आ जाए, ओ मेरे पुत्र नु पानी पिला देवे। जेड़े वेले जुबान ए जुबान बार कढ़दा है मेरिया चीखा निकल जांदियां ने। ग्रामी कदर हजरात मां ने आखिया सोनिया एक बार ले जाओ। मेरे इमामी अली मुकाम ने अली असगर दे चेहरे ते कपड़ा दिता, कपड़ा दे गए। जेड़े वेले मेरे इमामी अली मुकाम बाहर लै के आए, उधर यजीदी जाला पे कह रहे ने हुसैन लगदा है कुरान लै के पे आया हुंदा है। इब्ने साद जालम ने आखिया जे हुसैन कुरान लै के आवे, हुसैन कुरान लै के आवे सुलह ना करे आज तीरां दी बारिश कर दे आज। ग्रामी कदर हजरात आखिरी बात दो मिनट मैनू दे दे आज। ग्रामी कदर हजरात उन्हें आखिया जे कुरान भी लै के आवे फिर भी सुलह नहीं करनी, तीरां दी बारिश कर दे आज। मेरे इमामी अली मुकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जेड़े वेले उन्हां दे करीब जाके, मेरे इमाम ने जेड़े वेले करीब जाके आपने कपड़ा हटाया, उन्होंने वेख्या नाजक फुल जड़ा कमला गया है। आपने फरमाया जालिमो तुआडी नजर च मेरा दे कोई कसूर होवेगा, एदा की कसूर है। अदरी ने मौत शमहुर मनो इशारा होया, उन्हें यजीदियां ने आख्या इनू तीर मारो। ग्रामी कदर हजरात जेड़े वेले हुरमल ने पहला तीर उठाया मारना चाहिया, ओदा हाथ भी कमद है ओदे पैर भी कमदे ने। ग्रामी कदर हजरात बिने साद कहंदा है तू ते बड़ा तीर अंदाज़ है अज मारदा क्यों नहीं, कहन लगा किवें मारा। ओ सामने निक्की जी बच्ची खलोती है ओ मैनू कह रही है जालिमा ना मारी, वे मेरा वीर अकबर लैके नहीं रजे, वे मेरा वीर कासिम लैके नहीं रजे, वे मेरा वीर वे मेरे वीर आना मुहम्मद लैके नहीं रजे, वे मेरा चाचा अब्बास लैके नहीं रजे, वे जालिमा मेरा इको ही निक्का जिहा वीर ना मारी। वे जालिमा मैं किन्नू लोरियां देवांगी, वे जालिमा मैं किन्नू झूले देवांगी। हजरत सकीना ने आखिया हुरमल ने जेड़े वेले तीसरी बार तीर उठाया, जुलम दा तीर चले आओ अली असगर दे हलक दे अंदर लगे आओ, हलक चो बाहर आ गए मेरे इमामे अली मुकाम दे बाजू दे अंदर लग गया, मेरे इमामे अली मुकाम दे बाजू दे अंदर लगे आओ। मेरे इमाम ने असगर दे हलक दे अंदर तीर खिचे आओ, खून दा फवारा निकले आओ। मेरे इमामे अली मुकाम ने खून अपने कोल रख ले आओ। आप जेड़े वेले आसमान वल फेंकन लगे आसमान चो आवाज आई हुसैन एदा खून आसमान ते ना सुटी, जे आसमान ते खून आ गया कई दिन इत बारिश नहीं बरसेगी। जेड़े वेले मेरे इमामी अली मुकाम जमीन ते खून फेंकन लगे आवाज आई हुसैन जमीन ते नहीं सुटना, जे जमीन ते खून आ गया सारी जिंदगी रोहे कियामत तक पूरी जिनी देर तक कियामत ना आ जाएगी उन्नी देर तक इत जमीन दे उते सबजा नहीं आवेगा। मेरे इमाम ने फरमाया पुत्र अली असगर ऐ वेख लै तेरा खून ना जमीन कबूल कर दी है ना तेरा खून आसमान पिया कबूल करदा है। मेरे इमामी अली मुकाम इना कह के मेरे इमाम
इमामी अली मुकाम खून अपने चेहरे ते मल गए, मेरे इमामी अली मुकाम अपने बच्चे दी चेहरे ते कपड़ा दे के ले आउंदे ने। ग्रामी कदर हजरात जेड़े वेले चेहरे ते कपड़ा दे के ले आंदा गया, ग्रामी कदर हजरात मेरे इमामी अली मुकाम दी छोटी बेटी सकीना आ गई। अली असगर नु लोरियां पई देंदी है, मेरे इमाम ने फरमाया, मेरे इमाम फरमांदे ने बेटी सकीना की पई करनी है। अर्ज की बाबा मेरा वीर कई दिनों तो सुता है, मैं झूले पी देनी उठ के रोवे ना। अल्लाह ताला उठ के रोवे ना। ग्रामी कदर हज़रात अल्लाह ताला साड़ी हाजरी कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।